की बार 140 के पार। बच्चों आज डे 30, काउंटडाउन 30। अब की बार 140 के पार। और चलिए इसके साथ ही आज का हम लोग क्लास की समीक्षा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे चर्चा किए, डिस्कस किए, लेक्चर देखे, नोट्स देखे और फिर एमसीक्यू बनाए। जो भी हम लोग पढ़े उस पे एमसीक्यू बनाए। और आज हम लोग रिव्यू करेंगे तीन चीज पे, क्योंकि हमारे क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन आज स्टार्ट हुआ और खत्म भी हो गया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पृष्ठभूमि में आज हम लोग एमसीक्यू बनाए साइमन कमीशन पे। दूसरा, हम लोग डिस्कस किए थे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म पे हम लोग बात किए। और तीसरा जो है, एक और नया मॉड्यूल आपके लिए लेके आए हैं कि जो हरेक गवर्नर गवर्नर जनरल के दौरान काम हुआ था ब्रिटिश इंडिया में। जैसे आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था डुप्लेक्स और रॉबर्ट क्लाइव। तो दोनों पे हम लोग आज एमसीक्यू भी बनाए। तो चलिए क्लास के चर्चा के अनुसार क्या क्या हम लोग एमसीक्यू जो है टेस्ट सीरीज के रूप में क्या क्या पढ़े उस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं आप, साइमन कमीशन इन इंडिया एंड बिहार। देखिए बच्चों, ये रिव्यू क्लास है, मतलब हम लोग रिव्यू करते हैं। और जो भी आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब कुछ अपलोडेड होता है उसको फिर से हम अपलोड कर देते हैं इस चैनल के माध्यम से, ताकि एक बार फिर से बताएं कि इस बार हमारा टारगेट है कि 140 क्वेश्चन आपके इस तरह के नोट्स और एमसीक्यू से आए। पिछले बार हमारा स्कोर 105 था और इस बार हमारा स्कोर 140 होना चाहिए। तो जिस दिन एग्जाम खत्म होगा 12 फरवरी को, फिर से जो है इसी अपलोडेड मटेरियल के बेसिस पे आपको हम लोग चर्चा में बताएंगे कौन कौन सेक्शन से कैसे कैसे कौन कौन क्वेश्चन आया। तो पहला हम लोग साइमन कमीशन इन इंडिया और बिहार किए, और करीब इस पे आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन है। तो जैसे हम लोग क्लास में नोट्स के माध्यम से पढ़ें उसी तरह हम लोग जो एमसीक्यू भी इसी तरह बनाए। आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन का प्रकृति क्या था, कौन कौन लोग इसके सदस्य थे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन कमीशन में कौन थे जो इंडिया के साथ, भारतीयों के साथ सहानुभूति रखते थे। जैसे इस केस में आंसर आपका क्लेमेंट एटली है। सो इसी तरह हम लोग साइमन कमीशन किसका नतीजा था, कौन से रिफॉर्म्स का नतीजा था, तो मोंटेगू चेस्फोर्ड रिफॉर्म्स का नतीजा था। साइमन कमीशन क्या क्या की, इसमें कौन से भारतीय थे या भारतीय नहीं थे, इसको व्हाइट कमीशन श्वेत आयोग क्यों बोला गया था। साइमन कमीशन के अगेंस्ट में कांग्रेस थी, लेकिन लेकिन कुछ लोग थे जो कि साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार ईवी रामास्वामी, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। क्यों साइमन कमीशन को 2 साल पहले नियुक्त किया गया, क्या पॉलिटिकल कंडीशन था ब्रिटेन में, भारतीयों को साइमन कमीशन में क्यों नहीं शामिल किया गया, इसका क्या रीजन था, क्या पॉलिटिक्स था स्मिथ और लेबर पार्टी में, ये सब पे हम लोग चर्चा किए। साइमन कमीशन को बहिष्कार करने के लिए, बॉयकॉट करने के लिए मद्रास में सेशन बुलाया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, साइमन कमीशन को कौन कौन जो है ऑर्गेनाइजेशन जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सेंट्रल सिख लीग, ये तीनों लोग जो है समर्थन किए थे, तो इस पे हम लोग चर्चा किए। साइमन कमीशन के समय भारत के वायसराय कौन थे, साइमन कमीशन के सहयोग के लिए एक अखिल भारतीय समिति भी बना था, उस समिति में कौन कौन लोग थे, साइमन कमीशन बंबई कब आया, पटना में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व कौन किया, हम लोग बिहार लेवल पे चल रहे थे, साइमन कमीशन लाहौर कब पहुंचा,
लाजपत लाला लाजपत राय कब घायल हुए, व्हेन लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड, सिर में चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, है ना। साइमन कमीशन का क्या क्या सिफारिश था, व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का परिणाम क्या था, क्या वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में आई, है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ को समझाया गया, तो हम लोग लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में चले गए। फिर इसी तरह हम लोग जो है महत्वपूर्ण कुछ किताब था, जैसे कि कैथरीन मयो का मॉडर्न इंडिया बुक, कैथरीन मयो का किताब है मॉडर्न इंडिया, इसपे गांधी जी इसको क्या बोले, जमादार और बॉम्ब पुलिस, है ना। लीडर्स मैनिफेस्टो क्या था, लीडर्स मैनिफेस्टो को बिहार के कौन कौन से नेता लीडर मैनिफेस्टो पे साइन किए, हस्ताक्षर किए, मद्रास कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार की बात की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, कौन सा मद्रास अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था इन बिहार, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड इन बिहार टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस ऑल पार्टी मीट, साइमन कमीशन पटना कब आए, रांची में साइमन कमीशन का बॉयकॉट का नेतृत्व कौन कर रहा था, फिर नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट कब आया, नेहरू रिपोर्ट में इसके नेहरू का जो संविधान बनाने के लिए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो एक कमिटी बनाई, है ना, चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के सदस्य कौन थे, है ना, सदस्य कौन कौन थे इस समिति के, कौन नेहरू रिपोर्ट के मुख्य आकर्षण थे, हाईलाइट्स क्या क्या था नेहरू रिपोर्ट का। ये नेहरू रिपोर्ट तो खैर एक ऑफिशियली कांग्रेस के तरफ से एक मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन नॉन ऑफिशियली भी भारत के संविधान का मसौदा कौन तैयार किया था, एनी बेसेंट क्या तैयार की थी, सबसे पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप, उसके बाद ही ऑफिशियली हम लोग नेहरू रिपोर्ट देखते हैं, इस पे चर्चा हुई है कि नहीं, कौन कौन नेहरू रिपोर्ट क्यों बना, कौन कौन लोग भारत को चुनौती दिए थे, तो साइमन कमीशन खुद चुनौती दिया था इंडियंस को कि मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेक अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज, लॉर्ड बर्कन हेड ही भी चैलेंज किए थे। तो इस तरह से जो है हम लोग जो हर एक नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बात की गई थी, नेहरू रिपोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, है ना, कौन सा देवनागरी या उर्दू वन में हिंदुस्तानी लिखा जाएगा, केंद्र के पास क्या क्या शक्ति होगी, क्या अलग निर्वाचक मंडल होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होगा कि नहीं होगा, नेहरू रिपोर्ट पे मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया था, कौन से कांग्रेस सदस्य जो है नेहरू रिपोर्ट को मतलब विरोध किए, हु वे अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर, ये तीनों लोग जो है कांग्रेस मेंबर्स थे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट का ये लोग बहिष्कार किए, तो कौन से कांग्रेस सदस्य नेहरू रिपोर्ट का विरोध किए वो हम लोग देखे, है ना। नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों किया गया, है ना, फिर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ऐसा अल्टरनेटिव सेटअप किया गया, तो इसमें बिहार से कौन कौन प्रतिनिधि थे, है कि नहीं। तो इस तरह से बारीकी से हम लोग जो है हर एक जो भी एक साइमन कमीशन या नेहरू रिपोर्ट पे जो भी क्वेश्चन आता है वो हम लोग बात करते थे। धीरे धीरे जो है ये साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट से आपका प्रेजेंट डे झारखंड में इसका प्रभाव पड़ता है, तो जमशेदपुर में, रांची में बहुत सारा लंबा लंबा हड़ताल हुआ, तो उसको कौन मैनेज करता था, बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे, मेरा षड्यंत्र केस क्या था, क्योंकि लेफ्ट मूवमेंट भी अब चालू हो जाता है, मॉडर्न रिव्यू के संपादक कौन थे, तो ये सारा चीज जो है आपके साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट और लेफ्ट मूवमेंट पे ये सब सारा चीज जो है आपका आधार था। और हम लोग इंडिया लेवल पे भी डिस्कस किए, हम लोग जो है बिहार के लेवल पे भी डिस्कस किए।
अब इसी समय हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद में एक नया अध्याय जुड़ जाता है, जिसको हम लोग रेवोल्यूशनरी टेररिज्म कहते हैं। और रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का एक न्यूज़लेटर है, रेवोल्यूशनरी है ना, रेवोल्यूशनरी समाचार पत्र है। ये कौन किस पार्टी से संबंधित है, बिहार में क्रांतिकारी नेताओं की गतिविधियों का केंद्र कौन सा है कि नहीं, पॉलिटिकल डकैती बिहार में किस 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 को माना गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की, इसके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के येलो पेपर हम लोग किसको बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में राम प्रसाद बिस्मिल की क्या भूमिका थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सचिन नाथ सान्याल की क्या भूमिका थी, आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और अनुशीलन समिति के कोऑर्डिनेटर कौन थे या कौन समन्वयक थे, कहाँ कहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शाखाएं थी, काकोरी ट्रेन डकैती केस क्या था, काकोरी ट्रेन डकैती केस में क्या क्या हुआ था, काकोरी मामले में किसको किसको दोषी पाया गया, कितने लोगों को फांसी की सजा दी गई, कितने लोगों को आजीवन सजा दी गई, काकोरी केस का उद्देश्य क्या था, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्यों बनी, मैंने पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी था है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना क्यों बनी, है ना। अब देखिए फिलोसफी ऑफ द बम शीर्षक से ये किसका घोषणा पत्र था, है कि नहीं, लाला लाजपत राय की मौत का बदला कौन लिया, लाला लाजपत राय के मित्रों का बदला लेने के लिए कौन भगत सिंह को साथ दिए, जेम्स ए स्कॉट के लिए गलत पहचान के रूप में किसने गोली मार कर हत्या कर दी, तो ये सब चीज, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस क्या है, कौन इसमें शामिल थे, सेंट्रल असेंबली में कौन से, जब जब भगत सिंह बम पटकते हैं तो कौन कौन सा नारा लगाए, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, विश्व के कार्यकर्ता एकजुट हो, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, है ना, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट डाउन विथ इंपीरियलिज्म, तो ये सारा चीज जो है रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के साथ हम लोग एक एक चीज जो है, सेंट्रल असेंबली हॉल में क्या क्या काम चल रहा था जब बम हुआ, एच एस ए लाहौर गुट जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का लाहौर गुट का नाम क्या था, आतिशी चक्र के नेता कौन थे, उधम सिंह भारत के लिए जो संघर्ष किए थे वो कहाँ से किए थे, है कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद पे हम लोग डिस्कस किए, तो कहने का मतलब है कि कुल जो है हम लोग पूरा एक एक क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जैसे जैसे साल गुजरता जा मेजर मेजर इवेंट्स को हम लोग लेक्चर में कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के फॉर्म में ये सारा चीज हम लोग डिस्कस की कि एक भी क्वेश्चन हम लोग का नहीं छूटेगा। इसके साथ ही आप देखिए कि हम लोग एक नया अध्याय भी जोड़े हैं, वो है कि हर एक गवर्नर जनरल और गवर्नर गवर्नर के बारे में बारीकी से अलग से पढ़ना, जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है डुप्लेक्स, है ना, डुप्लेक्स पे, डुप्लेक्स को पौंडीचेरी में नौकरी क्यों मिली, डुप्लेक्स कब चंदनगर के गवर्नर बने, डुप्लेक्स को कब जो है फ्रेंच कॉलोनी का डायरेक्टर बनाया गया, महानिदेशक के रूप में डुप्लेक्स से पहले कौन थे, डुप्लेक्स को नवाब की उपाधि किसने दी, है ना, चंदनगर को बंगाल का सबसे समृद्ध यूरोपीय बस्ती किसने बनाया, है ना, हु स्ट्रेंथेन द डिफेंसेस ऑफ पॉन्डिचेरी आउट ऑफ हिज पर्सनल फंड्स, व्हाई डिड डुप्लेक्स सपोर्टेड द नवाब ऑफ हैदराबाद, व्हाई डिड डुप्लेक्स सपोर्टेड नवाब ऑफ कर्नाटक, है ना, हु रिप्लेस डुप्लेक्स इन इंडिया, व्हाई इज डुप्लेक्स इज रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री, तो इस तरह का चीज जो हम लोग पूरे डुप्लेक्स पे करीब जो 11 क्वेश्चन हम लोग अलग से बनता है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बारीकी से एक एक चीज को हम लोग देख रहे हैं, डुप्लेक्स के बारे में हम लोग 11 क्वेश्चन करते हैं। डुप्लेक्स के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग क्लाइव पे चलते हैं, आप देखिए क्लाइव के बारे में, तो क्लाइव के बारे में पहले बंगाल में सुजाव बंगाल और अवध की बात कहते हैं, सुजाउद्दौला के बारे में बात करते हैं, फिर शाह आलम द्वितीय के बारे में बात करते हैं, फिर बात करते हैं अलाहाबाद की संधि, रॉबर्ट क्लाइव जब दूसरी बार आते हैं तो अलाहाबाद की संधि होती है, दो संधि होती है, एक शाह आलम के साथ और एक अवध के नवाब के साथ, क्या क्या फायदा हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो है बक्सर के युद्ध के बाद बक्सर को क्यों नहीं अपने कब्जा में ले लिए,
उस पे हम लोग कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं, साल अंत का क्या रोल हो गया इलाहाबाद की संधि के बाद, है ना, और सेंट्रल जो मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो सूबेदार और दीवान के थ्रू अपने साम्राज्य को नियंत्रित करता था, तो उसमें निजामत फंक्शन क्या होता है, दीवानी फंक्शन क्या होता है, दीवान का कार्य क्या क्या था, निजामत का कार्य कौन क्या क्या था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये कैसे जो ये टैली ये बदल गया, ये सारा कुछ जो है। फिर एक डिप्टी दीवान का एक पोस्ट पद सृजित हुआ, इसलिए कि भाई निजामत का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से डिप्टी दीवान देखे। ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली नहीं आना चाहती थी फोर फ्रंट पे, क्योंकि पॉलिटिकली जो है भारत के भी कुछ लोग और यूरोप में खास करके इंग्लैंड के भी लोग कुछ अगेंस्ट हुआ, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव डुअल शासन लाए। डुअल शासन का भी क्या लॉजिक था, ये सारा चीज हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करीब 41 क्वेश्चन था जो कि रॉबर्ट क्लाइव पे हम लोग बनाए। तो एक तरफ डुप्लेक्स और क्लाइव, मैंने हर एक गवर्नर जनरल पे हम लोग सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन बना रहे हैं, हर एक सेपरेट डिस्कशन कर रहे हैं। ऊपर से जो हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, अब हम लोग आज सेकेंड लास्ट डे है, कल हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न बिहार हिस्ट्री दोनों खत्म हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जो भी पॉसिबल आता है अच्छे अच्छे किताबों से देख लेंगे, तो 140 यू कैन इजिली स्कोर। तो बहुत आराम से आप 12 फरवरी को, हम लोग जिसे अब सिर्फ सिर्फ हमारे पास 30 दिन बचा है, 10 दिन में हमारा पॉलिटी और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, मेडिवल बिहार हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा पॉलिटी में, और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा साइंस टेक और बायोटेक्नोलॉजी ये सब उभरता हुआ फील्ड देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर देख लेंगे, करंट अफेयर्स पे जो है हम लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पे हम लोग बिहार करंट अफेयर्स पे जोर दे देंगे, सब आपको मॉड्यूल्स मिलता रहेगा। तो करीब कहिए तो आपका 31 जनवरी तक ये पूरा कोर्स जो है कंप्लीट ऐसा हो जाएगा कि आप आराम से 140 स्कोर कर सकते हैं। बस मेरा एक ही निवेदन है, एक इंस्ट्रक्शंस कहिए, रिक्वेस्ट कहिए आपके करियर के लिए, कि जो भी हम लोग क्लास में पढ़े, जो भी आप देखिएगा कि जो भी 200-250 पेज का आपको नोट्स मिलता है, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में हो, चाहे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो, उसको आप सबको रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज ढंग से कीजिएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आते जाएगा, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो वो चीज आपको हॉन्ट नहीं करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, और हर एक तरीका का प्रैक्टिस हम लोग कर लिए। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग डे 30 का डिस्कशन एंड करते हैं, कल हमारा 29वां दिन हो जाएगा एग्जाम। 29वां दिन कहने का मतलब 12 फरवरी परीक्षा है, तो 10 तारीख तक ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, 11 तारीख को तो हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर की ओर रवाना हो जाएंगे। तो 29वां दिन हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे सुबह में, वो हम लोग देखते हैं कि शाम को फिर हम लोग उसको समीक्षा करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, अब की बार 140 के।